और इससे भी मिल लीजिए दोस्तों, ये है अयान और ये जो है हमेशा फ्री फायर ही खेलता रहता है और ये अभी भी फ्री फायर ही खेल रहा है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग फ्री फायर खेलते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं आप लोगों से अफ्तार करने के बाद। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, अभी इवनिंग का समय है और मैंने अपना रोजा खोल लिया है। तो आज हम लोग जा रहे हैं ईद का शॉपिंग करने, तो हम लोग जा रहे हैं कार से। तो बाहर ड्राइवर साहब एंड भैया जाने के लिए रेडी है, तो चलिए मैं भी चलता हूँ उन लोगों के साथ और मिलते हैं आप लोगों से कार में। तो दोस्तों, हम लोग शॉपिंग के लिए घर से निकल गए हैं एंड हम लोग जा रहे हैं अभी मार्केट, और साथ में आए हुए हैं बिग ब्रदर एंड मैं, और ड्राइवर साहब को भी देख लीजिए, इनका नाम है वजीर। एंड दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, हम लोग शॉप पे जाकर क्या क्या परचेज करेंगे, क्या क्या लेंगे, सब कुछ आप लोगों को इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, अभी हम लोग शॉप पे आ गए हैं और दोस्तों हम लोग मॉल में नहीं गए, क्योंकि दोस्तों मॉल में जो है पैसा ज़्यादा लेता है और कपड़ा कोई ढंग का नहीं रहता, इसीलिए हम लोग मॉल नहीं गए और छोटे से शॉप में ही कपड़ा लेने आ गए, और इस दुकान का नाम है सस्ता बिक्री केंद्र। तो हम लोग आ गए शॉप के अंदर और अभी जो है लेडीज़ लोगों का कपड़ा लिया जा रहा है और कपड़ा पसंद किया जा रहा है बिग ब्रदर एंड ड्राइवर साहब के द्वारा। तो दोस्तों, हमने क्रेडिट कार्ड से पैसा पे कर दिया और दोस्तों यहाँ पे जो है सिर्फ लेडीज़ लोगों का ही कपड़ा हो पाया है, और वो भी सिर्फ सूट का कपड़ा हुआ है, हम लोगों का कपड़ा यहाँ पे नहीं मिला है। तो हम लोग अपने कपड़ा दूसरे शॉप से लेंगे, तो चलिए हम लोग दूसरे शॉप की ओर चलते हैं। तो अभी ड्राइवर साहब कार लेकर आ गए हुए हैं और अब हम लोग जाएँगे दूसरे शॉप की ओर हम लोग अपना कपड़ा लेने। तो चलिए पहले मैं कार में बैठ जाता हूँ, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे दूसरे शॉप पे। तो हम लोग दूसरे शॉप पे आ गए और हम लोगों को लेना था यहाँ पे फ्रॉक, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे एक भी फ्रॉक पसंद नहीं आया। तो हम लोग जाएंगे अभी दूसरे ऊपर वाले फ्लोर पे, तो वहाँ पे हो सकता है कि शायद फ्रॉक पसंद आ जाए। सो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर सेकेंड वाले फ्लोर पर फ्रॉक लेने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई भी लिफ्ट वगैरह का सिस्टम नहीं है, हम लोग सीढ़ी से ही चढ़ के जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को एक फ्रॉक पसंद आ गया, तो इसे मैं अपने ऊपर ट्राई करने वाला हूँ, देखते हैं कैसा लगता है। क्या लग रहा हूँ ना आलिया भट्ट। तो यहाँ पे हम लोगों को एक और न्यू ड्रेस पसंद आ गया है, तो चलिए इसको भी हम अपने ऊपर ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये ड्रेस कैसा लगता है। Oh my God! तो हम लोगों ने फ्रॉक परचेज कर लिया और इसी के साथ लेडीज़ लोगों का कपड़ा खरीदने का काम धाम समाप्त होता है, और अब बारी है जेंट्स लोगों का कपड़ा लेने की, यानी हम लोगों के कपड़ा लेने की बारी अब आ गई। तो दोस्तों, अभी जो है फ्रॉक को पैक किया जा रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जब तक फ्रॉक को पैक किया जा रहा है तब तक मैं एक आइसक्रीम खा लेता हूँ। यो, तो अभी हम लोग जा रहे हैं तीसरे फ्लोर पे हम लोग अपना कपड़ा लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों सेकेंड फ्लोर पे जो है वहाँ पे सिर्फ लेडीज़ लोगों का ही कपड़ा मिलता है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं ऊपर थर्ड फ्लोर पे, और वहाँ पे जो है जेंट्स लोगों का कपड़ा मिलता है। तो हम लोगों को यहीं से कपड़ा लेना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा रात हो चुकी है, तो ऐसे में सारे दुकान बंद हो गया होगा और ये भी बंद करने वाले थे, तो हम लोग अभी है तो इसलिए अभी बंद नहीं हो रहा, तो इसलिए हम लोग को यहीं से लेना पड़ेगा, चाहे पसंद आए या ना पसंद आए, जैसा भी हो यहीं से लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत ही रात हो चुकी है तो सारे शॉप बंद हो गया होगा, तो ऐसे में हम लोग कहाँ से कपड़े लेंगे, इसलिए यहीं पर से लेना पड़ेगा। और दोस्तों, ईद पर मैं जींस और शॉर्ट लेने वाला हूँ और बाकी सभी लोगों के लिए भी यही लेना है,
तो इसमें तो दिखाने की कोई चीज़ है नहीं, तो मैं शॉर्ट में आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने रेड कलर का एक शॉर्ट लिया है और जींस बगल में रखा हुआ है। इससे दोस्तों फाइनली हम लोगों का कपड़ा पसंद हो गया है और अभी जो है बच्चे लोगों का कपड़ा पसंद हो रहा है। और हम लोग लगभग आए थे इवनिंग में ही कपड़ा लेने, और अभी कपड़ा लेते लेते लगभग रात के 11 बजने लगे हैं, बहुत देरी हो गई पसंद करते करते। तो ये बच्चों आप देख सकते हो कि सारे ग्राहक चले गए हैं, दुकान बंद होने वाली। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि हम लोग का शॉपिंग हो गया और ये सारे सामान पैक हो गया, तो अब हम लोग पैसा भी दे चुके, तो अब हम लोग 26,000 बिल। तो दोस्तों टोटल जो प्राइस हुआ है सबका वो 26,000 रुपीज़ हुआ है। पूछ लीजिए उससे। तो दोस्तों हम लोग का शॉपिंग हो गया है, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो कार अभी स्टार्ट हो गई है, वजीर साहब स्टार्ट कर लिए, और हम लोग इस दुकान से लिए हैं कपड़ा। तो बैक क्रमश से देखिए क्या नाम है, फैशन इंडिया, इसी शॉप से हम लोगों ने शॉपिंग किया है। तो चलिए अब हम लोग घर चलते हैं। उठाइए तो मुझे नहीं। तो हम आ गए अयान के रूम में, और यहाँ पे है क्यूट राजकुमारी, हमारी प्यारी सी अदीबा। और अयान जो है दोस्तों अभी स्टडी कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अयान कौन सी क्लास का पढ़ाई कर रहे हो अभी? मैं क्या प्रैंक कर रहा है, वन में या टू में? सच सच बोलो, टू में। टू का सरल बुक मजाक कर रहा हूँ गाइस, मैं फोर में हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों हम लोग शॉपिंग करके घर आ गए, और दोस्तों हम लोग गए थे जस्ट अफ्तार करके शॉपिंग करने इवनिंग में, और अभी हम लोग को शॉपिंग करके आते आते लगभग रात के 12 बज गए हैं दोस्तों। और हम लोग को बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया शॉपिंग करने में, क्योंकि हम लोग को कम से कम एक शॉप पे सारा सामान नहीं मिल पाया, 2-3 शॉप पे घूमना पड़ा दोस्तों। और वहाँ पे भी मतलब अच्छा अच्छा कपड़ा नहीं मिल रहा था, पसंद करने में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा, ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं, बहुत समय लगा है, बस इस समय टाइम वेस्ट हो गया। तो अभी हम लोग शॉपिंग करके घर आ गए, और अभी हम लोग का खाना पीना हो गया है। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं गुड नाइट के साथ।